देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमजान खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद बकरा ईद मनाई जाती है, इसे ईद उल जहा भी कहते हैं। इस साल बकरा ईद 22 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकर ईद पर विशेष सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़ी सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं भी खुले में बलि के साथ नालियों में खून नहीं बहना चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि बकरीद की नमाज के दौरान किसी तरह की कोई समस्या नमाजियों को ना हो और कहीं चूक ना हो, इसके लिए कई पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे, जैसे कि नमाज के दौरान रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, छतों से पुलिस के जवान हथियारों के साथ नजर बनाए रखेंगे और साथ ही बिजली पानी और सड़कों की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक भी की गई है और बकरीद की मुबारक देने के बाद उनसे खुले में बलि ना देने की अपील की गई है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि बकरीद पर कोई विवाद ना हो पाए और बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थलों पर ही दी जाए और त्योहारों को आपसी भाईचारे तक ही तहत मनाया जाए।